देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अपने विरोध प्रदर्शन को हमें शांतिपूर्वक रखना चाहिए, और कल का विरोध प्रदर्शन भी शांतिपूर्वक निपट गया था। 10-12 लड़कों ने जाकर के बिला वजह हंगामा कर दिया और पूरा एक सेंसेशन पैदा हो गई। और मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख करने वाले आदमी को किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसका विरोध करिए, विरोध करने का तरीका अपना ऐसा रखिए कि आप उसके जद में ना जाएं, क्योंकि उनका एजेंडा है नफरत फैलाने का। वो नफरत फैला करके इस जो देश में और प्रदेश में जिस तरह से इन लोगों की हार हो रही है, मोहब्बत की जीत हो रही है, इस मोहब्बत की जीत को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और जिसको विरोध करना है तो विरोध करें और जा करके मुकदमा कायम कराएं। कोई यहाँ पुलिस से नहीं होता, कोर्ट से मुकदमे कायम कराएं। हमारे पास कानून है, कानून संविधान है, संविधान में हमें हमारे अधिकार है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। आपने 2 दिन पहले सोशल मीडिया में पोस्ट जारी करी, शांति की अपील करी, मगर फिर भी ये ऐसी घटना क्या? अरे भैया, 18 लाख लोगों में 18 लोग अगर निकल आए तो सांसद जिम्मेदार होगा क्या? पुलिस ने पकड़ रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है आपके एसएसपी साहब? हाँ, मैं अभी मिला था एसएसपी साहब से। जो लोग करने वाले उनको सजा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों बेगुनाह लोगों को पकड़ा जाए। शांति की अपील, शांति की अपील, 100% शांति की अपील। शांति के अलावा कोई रास्ता नहीं है देश के अंदर। मोहब्बत से ही काम चलेगा, मोहब्बत के अलावा नफरत की दुकान नहीं चल सकती।